नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आज क्लास में आप सभी का। आज हम लोग जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, देखते हैं कि सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों में से कौन सी कंपनी आई भारत में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आए हैं। और पुर्तगाल के द्वारा जो है सबसे पहले गवर्नर जनरल जो भेजा गया था फ्रांसिस्को डेल मोडा को, फिर भेजा जाता है दूसरे नंबर पे अल्फांसो द अल्बुकर को। ठीक है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल रहा है पुर्तगालियों के लिए। जो भारत में देखा जाए मैक्सिमम सत्ता स्थापित करने का श्रेय इन्हीं दोनों को दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो अल्फांसो द अल्बुकर को दिया जाता है, जो 1509 आए और 1514 तक रहे थे भारत में, अल्फांसो द अल्बुकर। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले आज हम लोग पुर्तगाली पढ़ेंगे और फिर सेकेंड क्लास में डच के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो जितने पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में देखेंगे पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है और पुर्तगालियों के द्वारा जो भारत में क्या क्या लाया गया है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस जो है 1557 ईस्वी में सबसे पहले गोवा में लाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ये जो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है पेपर में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि बर्थोलेमियो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। बर्थोलेमियो जो था वो पुर्तगाल के रहने वाले थे। सबसे पहले जो है भारत की खोज करने के लिए बर्थोलेमियो को ही 1487 में भेजा था, लेकिन बर्थोलेमियो ने भारत की खोज नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद कोलंबस को भेजा गया स्पेन के राजा ने। तो स्पेन के राजा ने कोलंबस को भेजा भारत की खोज करने, लेकिन कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज कर डाला 1492। लास्ट में भेजता है वास्को डिगम्मा को, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, इसको भेजता है 1498 ईस्वी में। और यह जो है गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद के सहायता से भारत की खोज कर लेता है। और सबसे पहले जो है वास्को डिगम्मा भारत में एक जगह केरल, अभी वर्तमान में राज्य है केरल, के काली तट पर पहुँचता है। और वहाँ के जो स्थानीय शासक थे केरल के, उसका नाम था जेमोरिन। जेमोरिन इसका स्वागत करता है वास्को डिगम्मा को। फिर उसके बाद जो है ये रिटर्न हो जाता है अपने साथ बहुत सारे जड़ी बूटी मसाले को लेकर। ठीक है, ये दोबारा फिर आता है, क्योंकि ये इसलिए रिटर्न होता है वास्को डिगम्मा क्योंकि इसको बहुत अधिक मात्रा में बेनिफिट होता है। वो 1 रुपये की वस्तु को उन्होंने वहाँ पर 60 रुपये में बेचता है वास्को डिगम्मा ने। इसको और थोड़ा लालच हो गया, दोबारा आता है 1502 ईस्वी में। कब आता है? 1502 ईस्वी में। लेकिन वास्को डिगम्मा से पहले पुर्तगाली राजा के द्वारा एक व्यक्ति और भेजा गया 1500 ईस्वी में। उसका नाम है पेड्रो अल्वारेस केब्राल, जो 1500 में आया है। और इन्होंने क्या किया, अरब व्यापारी का नाव लूट कर जो है वहाँ के राजा जो जेमोरिन थे उसको उपहार के रूप में दे देता है। तो पेड्रो अल्वारेस केब्राल से जो है जेमोरिन बहुत खुश होता है। ठीक है, तो फिर 1502 में तो वास्को डिगम्मा आ ही जाते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन आए। तो याद रखिएगा, फ्रांसिस्को द अल्मोडा। कौन आए? फ्रांसिस्को द अल्मोडा है। कब आए? 1505 में आए और 1509 तक रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने गुजरात, मिस्र और तुर्की के जो संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित करके द्वीप पे अधिकार स्थापित कर लेता है। दमन द्वीप का नाम सुने होंगे, जो गुजरात में है, द्वीप पे अधिकार स्थापित करता है फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने। गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त सेना के तीनों सेनाओं हरा देता है। उसके बाद इन्होंने एक पॉलिसी अपनाया जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है पेपर में कि वो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल के रहने वाले फ्रांसिस्को द अल्मोडा के द्वारा। इसका क्या मतलब हुआ, नीले पानी की नीति का मतलब ये हुआ दोस्त कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों के द्वारा नौसेना को जो है नौसेना का शक्ति स्थापित करना कि ताकि पूरे हिंद महासागर में पुर्तगालियों का कब्जा हो जाए, कि जो दूसरे देश के जो व्यापारी आते थे हिंद महासागर होते हुए उनका जो है उतना प्रभाव ना हो हिंद महासागर में। तो यहाँ पे एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ये अरब सागर है, यहाँ पे पूरा जो है इस तटीय क्षेत्र पे जो है
यदि नेवी सैनिक स्थापित कर देगा, नेवी सैनिक शक्ति स्थापित कर देगा, तो कोई भी दुश्मन यदि आता है तो सबसे पहले तो नेवी सैनिक अटैक करेंगे। क्योंकि साउथ इंडिया में देखा जाए, साउथ इंडिया में तो यहाँ पे जड़ी बूटी मसाले अधिक थे, जो भी आएंगे इधर से ही वो आएंगे, तटीय सीमा पे ही आएंगे। इसलिए सबसे पहले इन्होंने एक पॉलिसी अपनाया जिसका नाम नीले पानी की नीति है, ब्लू वाटर पॉलिसी। नेवी सैनिक को, नेवी सैनिक शक्ति का स्थापना करना था इनका मेन उद्देश्य था। इससे ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि शांतिपूर्वक व्यापार करने के लिए इन्होंने यह नीति अपनाया था, शांतिपूर्वक व्यापार हो, किसी प्रकार का जो यहाँ पे ठीक है लूटपाट ना हो। अब दूसरे उसके बाद आता है दूसरा, गवर्नर जनरल अल्फांसो द अल्बुक। अल्फांसो द अल्बुक आता है, ये आता है 1509 में और 1514 तक रहता है। अब इनके द्वारा सबसे पहले 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार किया गया, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उसको पराजित करके। तो ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि गोवा पे सबसे पहले अधिकार जो है किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, तो अल्फांसो द अल्बुर्क, ठीक है, बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित करके। यहाँ तक तो आप सेंटेंस को याद रखेंगे। उसके बाद देखा जाए, भारतीय महिलाओं से विवाह करने का प्रोत्साहन दिया पुर्तगाली लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, तीसरा पॉइंट इनका ये है, पुर्तगाली सेना में भारतीयों को जो है भर्ती करवाया गया, पुर्तगाली सेना में भारतीयों को जो है भर्ती कराया गया। चौथा पॉइंट, सती प्रथा का उन्मूलन कराया गया, सती प्रथा का उन्मूलन, जिन क्षेत्रों में अल्बुकर का अधिकार था उन क्षेत्रों में सती प्रथा का जो है खत्म किया गया, और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन किया। मतलब आपको पता है कि सती प्रथा मतलब होता ही है, यदि उनके हस्बैंड या उन हस्बैंड के डेथ हो जाता है, साथ में पत्नी को भी जला दिया जाता था। अब मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाए, उनको जला दिया जाए, तो पत्नी बच जाएंगे, जब इसकी इसका रोक लगा दिया गया तो महिलाएं विधवा हो जाएंगे। तो विधवा को ये छूट दिया गया कि दोबारा शादी कर सकते हैं। ये सारे रूल जो हैं फ्रांसो द अल्बुर्क के द्वारा लाए गए, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के बनता है कि भारतीयों को जो है पुर्तगाली सेना में भर्ती कराया गया, इस प्रकार जो रूल है किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, फ्रांसो द अल्बुर्क के द्वारा लाया गया था। ना तो समझ में आया। अब तक मैंने दो गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा किया, पहला फ्रांसिस्को द अल्मोडा और दूसरा अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब आज देखते हैं तीसरे नंबर के जो गवर्नर जनरल है, नीनू द कुंडा, ये आते हैं 1529 में। इनके द्वारा क्या कार्य किया गया, सबसे पहले जैसे गोवा पे अधिकार किया अल्बुकर्क के द्वारा, गोवा की इन्होंने राजधानी घोषित कर दिया। भले है अल्बुकर्क के द्वारा जो है कोची को मुख्यालय बनाया गया था जो केरल में है, ठीक है। उसके बाद नैनो द क्यूना ने गोवा को राजधानी बनाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने गोवा को राजधानी बनाया, तो क्या बोलेंगे, नीनो द कुंडा। उसके बाद इन्होंने द्वीप जो है दमन द्वीप की बात कर रहा हूँ, हुगली और संथोमी बस्ती की स्थापना किया, हुगली द्वीप और संथोमी जो मद्रास में है, ओके। तो उसके बाद चौथे नंबर के जो गवर्नर जनरल आते हैं पुर्तगाली, उसका नाम है अल्फांसो डी सुजा, ठीक है। अल्फांसो डी सुजा जो आता है भारत, इनके साथ एक ही पॉइंट है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, प्रसिद्ध जुसियट संत फ्रांसिस्को जूबियर, ये बहुत बड़ा संत थे, इस गवर्नर जनरल के साथ आया है। फिर रिपीट करता हूँ, जुसियट संत फ्रांसिस्को जूबियर इनके साथ आए हैं, ये क्वेश्चन पूछा है पेपर में। यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं पुर्तगालियों का पतन कैसे होता है, लेकिन उसके पहले ये मैं आपको बता दूं, पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था, वो किया गया था कोची में केरल में। वो कब किया गया था, 1503 ईस्वी में किया गया था। 1503 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित किया था केरल के कोची में, ये आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। दूसरा बात, दूसरी कंपनी और दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई है 1505 में, वो केरल में ही है, वो है कन्नूर में। कहाँ है, कन्नूर में, याद रखिएगा। पहली फैक्ट्री 1503 में केरल के कोची में, और दूसरी फैक्ट्री 1505 में केरल के कन्नूर में। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अब हम देखते हैं पुर्तगालियों का पतन और उसका योगदान। ये क्वेश्चन और पूछा था कि जिस जहाज़ से वास्को डिगामा आए थे उस जहाज़ का क्या नाम था,
तो याद रखिएगा, जिस जहाज से जो वास्को डी गामा आए थे उसके जहाज का नाम था सान मारिया। क्या नाम था? सान मारिया, उस जहाज का नाम था। इसको नोट कर लीजिए। सान मारिया, जिस जहाज से वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, इस जहाज का भी नाम पूछा है। आइए अब देखते हैं यहां पे। पुर्तगालियों का योगदान भारत में, इनके द्वारा जो लाया गया है आलू, पपीता, तंबाकू, नाशपति, आलू, पपीता, तंबाकू, नाशपति, उस पर देखा यहाँ पे शकरकंद, बहुत सारी चीज़ लेकर है, लेकिन ये सब मेन मेन है, इसको याद रखने आपको। उसके बाद देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस जो है 1557 ईस्वी में गोवा में लाया था, सबसे पहले स्थापित किया था। ये पुर्तगालियों का ही देन है, आज भी प्रिंटिंग प्रेस आप देख रहे हैं, पुर्तगाली का ही देन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने कोथक स्थापत्य कला का विकसित किया, इन्हीं का देन है। कोथक स्थापत्य कला का मतलब होता मंदिर जो है, पहले मंदिर ऐसे होता था, इस पर अब ऐसे क्या जाने लगा, ये होते कोथक स्थापत्य। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। ये उसका योगदान रहा भारत में। अब इनका पतन कैसे हुआ इस पर चर्चा करते हैं। पतन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले व्यापारियों में अनुशासनहीनता, व्यापारियों में अनुशासनता का मतलब ये हुआ कि कोई अनुशासन नहीं रहा, जो भी इसमें लिप्त थे व्यापार करने में सब भ्रष्टाचार करने लगे वन बाय वन करके, जिसकी वजह से जो है धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों का अंत होने लगा। दूसरी बात यह है कि धर्मांतरण, अब इन लोगों का ध्यान जो है ईसाई धर्म को फैलाना भारत में मकसद हो गया, कि हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया जाए, ईसाई धर्म को फैलाया जाए, इसको बोलते हैं धर्मांतरण, जिससे यहाँ के समाज, भारत के लोग काफ़ी इनसे जो है नाराज हो जाते हैं पुर्तगालियों से। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे डचों का आगमन, डच आ चुके हैं भारत, ठीक, कई जगहों कब्जा हो चुका है पुर्तगालियों का स्थानों पे। उसके बाद जो है ब्राज़ील उपनिवेश की खोज, ब्राज़ील की खोज हो जाने से, ब्राज़ील बहुत नज़दीक है पुर्तगाल से, इसलिए भारत तो बहुत दूर था ना, ठीक, भारत बहुत दूर होने की वजह से जो है ब्राज़ील पे ज़्यादा ध्यान चला गया, भारत पे कम ध्यान रहा। ये पतन के 4-5 कारण आपको ध्यान में देना है, ठीक है, पतन और उसका योगदान। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है, भारत के पूर्वी तट पे पुर्तगालियों का मात्र एक ही बस्ती था, वो मद्रास में, उसका नाम था सेंट थोमी। इनका मात्र एक बस्ती था, कई बार क्वेश्चन पूछता है भारत के पूर्वी तट पे पुर्तगालियों का मात्र एक बस्ती था, उस बस्ती का क्या नाम था? सेंट थोमी, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद पुर्तगालियों के द्वारा जो है इंडोनेशिया के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था, क्या इंडोनेशिया में भी बड़े मात्रा में वहाँ पे भी मसाले होते थे, और जब वो डच आएंगे तो पुर्तगालियों के द्वारा जो वहाँ पे स्थापित किया गया था कंपनी वगैरह सब इंडोनेशिया, उसको जो है ख़त्म कर देगा डच वगैरह सब, डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे, इसको भी ध्यान देना है।
हुगली में अकबर के द्वारा जो है परमिशन लेके कंपनी स्थापित किया गया। वह बंदेल एक जगह है बंगाल में, वहाँ पे शाहजहाँ से अनुमति लेके वहाँ भी फैक्ट्री स्थापित किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। महमूद शाह एक महमूद शाह बंगाल के नवाब थे उस समय 1534 में। चटगा और सतगा, चटगा और सतगा पर जो है कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त किया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेगा, चटगा और सतगा में कंपनी खोलने की जो अनुमति प्राप्त किया उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो याद रखिए कि महमूद शाह थे। कौन थे? महमूद शाह। और यहाँ पे चटगा जो है, चटगा यह एक बंदरगाह है। चटगा बंदरगाह को, चटगा बंदरगाह को पुर्तगालियों द्वारा एक महान बंदरगाह का संज्ञा दिया गया था। इस बात को भी ध्यान देना है आपको। वन बाय वन करके देखते हैं कि हारमूज पर भी अधिकार कर लिया था पुर्तगालियों। ये जो है फारस की खाड़ी में हारमूज है, वहाँ भी इसका अधिकार था पुर्तगालियों का। तो इन्होंने एक दो सबसे बड़ी नीति अपनाई, उस नीति का नाम है कार्टेज कफिला पद्धति। इस कार्टेज कफिला पद्धति का मतलब ये हुआ, अरब सागर या हिंद महासागर में भारत के कोई व्यापारी हो या अरब के कोई व्यापारी हो, ठीक है, यदि अरब सागर हिंद महासागर से व्यापार करता है, सबसे पहले टैक्स देना पड़ेगा, तभी जो इनके जहाज अरब सागर और हिंद महासागर में जा सकते हैं। बिना टैक्स दिए जो है ये लोग व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए इनके जो पुर्तगालियों द्वारा ये पद्धति अपनाया गया था, कार्टेज कफिला पद्धति, और इसके बदले टैक्स के बदले जो है पुर्तगाली ने उसे सुरक्षा प्रदान किया। कार्टेज का मतलब होता है जो व्यापारी होंगे उसके बीच में जहाज होगा, चारों साइड जो हैं पुर्तगाली के जहाज होंगे ना होंगे, जो इनको सुरक्षा प्रदान करेगा। कार्टेज मतलब टैक्स, कफिला मतलब इनकी सुरक्षा प्रदान करना। ये जो यही बार क्वेश्चन पूछता है, कार्टेज कफिला पद्धति जो है किस यूरोपीय कंपनी द्वारा लागू किया गया था यूरोपीय देशों के साथ, तो पुर्तगालियों के द्वारा। इस बात को ध्यान देना, कार्टेज कफिला पद्धति पुर्तगालियों के द्वारा चलाया गया था। तो बस आज के सेशन में दोस्त इतना ही काफ़ी है पुर्तगाली कंपनियों संबंधित। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। भारत की खोज किसके द्वारा किया गया? वास्को डिगामा के द्वारा। उसके बाद कौन आए भारत में 1500 ईस्वी में? पेड्रो अल्वारेस, ठीक है। उसके बाद फिर आए 1502 में वास्को डिगामा, और इसके बाद जो 1505 में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल आए थे फ्रांसिस्को द अल्मोडा, इनके द्वारा जो नीति अपनाया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद फिर आए 1509 में, 14 तक रहता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, उन्हें बहुत सारा नीति लेकर आया था भारत में। अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक रूप में देखा जाता है अल्बुकर्क को, ठीक है। उसके बाद फिर आया गवर्नर जनरल नीनो द कुन्हा, फिर लास्ट में हमने देखा अल्फांसो द डिसूजा। ये चार गवर्नर के बारे में चर्चा किया, उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, दूसरी कहाँ लगी, उनका अंत कैसे हुआ, उनका क्या योगदान रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज क्लास में ले लिए हैं ये काफ़ी है दोस्तों। इसको बार बार आप वीडियो को देखिएगा। बस आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।